अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, मैंने आपसे किया था लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यूटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास 12th के लिए जो हम कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 ही आ रहा है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग। इट इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 वेयर एफ एक्स इज गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1। तो दूसरा मैं बताऊंगा, दूसरा प्रॉब्लम भी है, तो ये अदर देन दिस इसकी डिफरेंट है। चलिए हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट मेरे पास गिवन क्या है, इसमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड इंटीग्रल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1। तो आपका डिस्कस करना है कंटिन्यूटीज का, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका कंटिन्यूटी बताइए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं। चले हम कहेंगे बाय डेफिनेशन, ये रिवाइव होगा आपका डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन वी से एफ ऑफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये डेफिनेशन क्या है, तो लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए आपको मालूम है, बार बार मैंने बताया फर्स्ट लेक्चर में भी सेकंड में भी, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओनली देन लिमिट विल एग्जिस्ट, विच इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस दैट इज एक्स लेस देन 1 एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये चीज हमें अगर बराबर इक्वल मिले, ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट्स एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो द सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू, देन वी कंक्लूड द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ही जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, एफ एक्स के लिए जो हमारे पास वैल्यूज है वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये हम देंगे इसका एफ एक्स का वैल्यू, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में हम कहते हैं कभी इसको इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे हमें क्या करना है, हम देते हैं एक्स को 1 माइनस एच एज यूजुअल। आपका एच क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इट इज अ फ्रैक्शन लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंटल फंक्शन, जब आपको डिफरेंशिएशन में भी देते हैं। सो दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0 बिकॉज व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच व्हेन एक्स गोज टू 1 देन एच विल टेंड टू ऑटोमेटिकली 0। यहां दीजिए आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट इज 1 माइनस एक्स को देना है 1 माइनस एच, यह आएगा 1 माइनस 1 प्लस एच, एक्स को मैं दे रहा हूं 1 माइनस एच प्लस, यहां दीजिए आप एक्स को 1 माइनस एच 1 माइनस एच माइनस 1, यह आपको आ रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एच देन प्लस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन ऑफ माइनस एच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो नोट क्या होगा, देखो आपका एच जब ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 फ्रैक्शन है, ये लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1, यहां आपका कहीं एच लाई कर रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन में,
तो आपका ये कोई फ्रैक्शन है ये लाई करता है जीरो एंड वन के दरमियान, आपको इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, दैट इज यू विल राइट द इंटीजर विच इज ऑन द लेफ्ट इमिजिएट ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस एच, वो कौन सा ऑन द इमिजिएट ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस एच, दिस इज जीरो। सो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आएगा सीधा जीरो। हाँ अच्छा, अब देखिए आप अगेन, जब आपको एच जा रहा है ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, आपका माइनस एच होगा ग्रेटर देन माइनस, ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन जीरो। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, ये लाई करेगा बिटवीन जीरो एंड माइनस वन, दैट मींस माइनस वन माइनस एच इज ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन जीरो। देखिए इस यहां पे क्या होगा आपको, जब आप यहां देखेंगे यहां आपका यहां है जीरो, यहां आपका माइनस वन है, आपका माइनस एच माइनस एच यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो। आपको देखना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसके इमीडिएट में लाई करता है कौन सा इंटीजर है माइनस एच का, सो माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एच आपको यहां पे आएगा माइनस वन, समझा आपको, इट इज अ फ्रैक्शन लाइंग बिटवीन जीरो एंड माइनस वन, दो इंटीजरों के दरमियान लाई करता है माइनस वन एंड जीरो। आपको देखना है कि इस फ्रैक्शन का इमीडिएट वाला इंटीजर जो है जो इसके लेफ्ट में लाई करता है वही होगा ग्रेटेस्ट, दैट इज माइनस वन, ये माइनस वन के बराबर है। सो यहां पे हम लिखेंगे इसका, दिस इज नाउ आपने देखा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एच क्या, मैंने यहां पे देखा था इंटीग्रल पार्ट ऑफ एच इस पार्ट में आएगा जीरो एंड प्लस इसका इंटीग्रल पार्ट है माइनस वन। सो यहां पे आता है जीरो माइनस वन, दिस इज माइनस वन। तो आपका यहां पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमें मिला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम जा रहे हैं इसी का राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे जाएंगे मैं इसी से निकालूंगा राइट हैंड लिमिट इसका। देखो राइट हैंड लिमिट पे जब जाएंगे आप, राइट हैंड लिमिट पे आप देखिए यह आएगा आपको राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यह आएगा एक्स प्लस, दैट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, वहां था एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन लेफ्ट हैंड, एक्स ग्रेटर देन वन राइट हैंड। लिमिट कॉन्सेप्ट, लिमिट को देखिए, लिमिट मैंने यहां डिस्कस नहीं किया, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू हैव डन द लिमिट कॉन्सेप्ट इन योर प्रीवियस चैप्टर वगैरह। यहां पे जाएगा ये एक्सटेंडिंग टू वन प्लस, यही आएगा क्योंकि फंक्शन यही डिफाइंड है एफ एक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन। चलिए यहां आएगा इसी तरह एच जीरो, लेकिन यहां पर हमें देना है अब एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए, क्या देखिए हम एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए। चलिए ये जाएगा आपको एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच मुझे यहां पर देना है, मैं ये रब करता हूं, ये राइट हैंड लिमिट का जाता है, आप देखिए क्या आ रहा है इसका। चलिए वन प्लस एच अब देना है इसको, इट इज वन माइनस वन माइनस एच, ठीक है, यहां देना है वन प्लस एच, वन प्लस एच माइनस वन, ओके यह आएगा माइनस एच यहां पे इंटीग्रल पार्ट, यह आएगा यहां पे एच, एक्स को देना है वन प्लस एच, यहां भी देंगे वन प्लस एच, इट इज वन माइनस वन माइनस एच, तो यह आएगा एक्स वन प्लस एच माइनस वन कैंसल, इट इज एच, दिस इज माइनस एच, जिस तरह हमने वहां पे किया था यहां भी आएगा इसी तरह बिल्कुल, यहां इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एच, जैसे कि आपने देखा वहां पे ये था माइनस वन ये था जीरो, तो यह यहां पर भी आया माइनस वन, यह आया माइनस वन। सो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू, दिस इज माइनस वन, एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है माइनस वन के बराबर। आप कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स आता है किसके बराबर, माइनस वन के बराबर, ये माइनस वन आता है उस जगह भी माइनस वन इज भी। अब आप क्या देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन क्या आता है, चलिए एफ ऑफ वन हमें देखना है, ये मैं रब करता हूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने निकाला और राइट हैंड लिमिट भी दोनों आते हैं,
ये लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, ये है राइट हैंड लिमिट वाला, ये आ रहा है आपको माइनस वन. सो हम कहते हैं कि ये लिमिट जो है यहां पे आ रहा है, ये लिमिट इट इज माइनस वन, लिमिट इज माइनस वन. लेट अस नाउ गो टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन. देखिए यू हैव व्हाट इज एफ ऑफ वन हियर, यू हैव एफ एक्स, इट इज वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, दिस इज एफ ऑफ वन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीरो, इंटीजर ही है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीरो, वो आएगा जीरो प्लस जीरो क्योंकि ये खुद इंटीजर है, सो एफ ऑफ वन है जीरो के बराबर. दिस मीन्स दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन, जबकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आते हैं, ये एग्जिस्ट हो रहा है, इसका लिमिट माइनस वन आ रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन. सो व्हाट इज अवर कंक्लूजन, अवर कंक्लूजन विल बी दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन. ये मैंने आपको एक और प्रॉब्लम शेयर की आपके साथ जो आपको आ रहा है, क्या इसका नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे. हो सकता है आगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे. मैं जस्ट आपको दूसरा प्रॉब्लम है, वेरी इंटरेस्टिंग है ये, आपको कभी एमसीक्यूज में आता है, जेईई एग्जाम्स में भी ये आ सकता है, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ये कहता है फंक्शन साई एक्स इज डिफाइंड एज साई ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स टू द बेस ई होल डिविजन बाई एक्स. This is not defined at x is equal to 0. Function is not defined at x is equal to 0. Find what value must be assigned to psi of 0. इसको हम कभी कहते हैं removable discontinuity. Removable discontinuity इसको कहते हैं. What value must be assigned to psi of 0? यानी कि psi of 0 हमें कैसे define करना चाहिए so that the function psi x becomes continuous at x is equal to 0. तो यहां पे हमें निकालना होता है psi of जीरो का वैल्यू व्हेन इट इज गिवन दैट इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द प्रॉब्लम. इसमें ऐसे ऐसे चार पांच प्रॉब्लम्स आपको मैं करूंगा ये, जिसमें आपको निकालना है वेयर इफ इट बिकम्स कंटिन्यूअस व्हाट विल बी द साई ऑफ दैट वैल्यू वेयर इट इज कंटिन्यूअस या फाई ऑफ दैट वैल्यू या एफ ऑफ, ये इसमें साई में डिफाइंड है. मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं, जस्ट आप वेट कीजिए, मैं इसको ड्रॉप करता हूं. तो ये प्रॉब्लम जो है ये इस तरह डिफाइन है, मैंने इसको रिप्रोड्यूस किया है यहां पे. ये एक फंक्शन डिफाइन करता है साई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स इज गिवन बाय लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स टू द बेस ई होल डिविजन बाय एक्स. इट इज व्हाट इज साई ऑफ जीरो सो दैट साई ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये इसी तरह के तरीके हम करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया. देखो कैसे मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें हम इस तरह जाएंगे, हम लिखेंगे यहां पर बाय डिफिनिशन साई ऑफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साई ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू साई ऑफ जीरो. इसलिए जो इसका लिमिट वैल्यू होगा वही होना चाहिए साई ऑफ जीरो, तब यह बनेगा कंटिन्यूस. सो दिस इंप्लाइज दैट साई ऑफ जीरो जो आपको यहां पर निकालना है, हमारा एम है वॉट शुड बी साई ऑफ जीरो सो दैट इट बिकम्स कंटिन्यूस. इसलिए हमें ये साई ऑफ जीरो तो इसके बराबर होना चाहिए, ये हम इवेल्युएट करेंगे, जो इसका वैल्यू मिलेगा एज एक्स टेंड टू जीरो साई ऑफ एक्स हमारे पास ये है वही होगा साई ऑफ जीरो का वैल्यू. समझा आपको, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसमें तीन चार ऑप्शंस दिए होते हैं, चार में से आपको एक चूज करनी है, वहां पर वो मैं दिखाता हूं कैसे निकालते हैं. साई ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साई ऑफ एक्स. चलो साई ऑफ एक्स का वैल्यू हम लगाएंगे, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
साई ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे पास है, इट इज लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स टू द बेस ई डिविजन बाय एक्स, ये मेरे पास है साई ऑफ एक्स, वही होगा साई ऑफ जीरो का वैल्यू, साई ऑफ जीरो वही होगा, ये मैं लिख सकता हूं इस तरह। वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप है इसका, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स टू द बेस ई डिविजन बाय एक्स, देन माइनस दिस इज लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स टू द बेस ई होल डिविजन बाय एक्स, ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं क्योंकि लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट कॉन्सेप्ट आपको पता है, लिमिट ऑफ द सम इज सम ऑफ द लिमिट, इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, इज लिमिट ऑफ द डिविजन ऑफ कोई दिस रैशनल फंक्शन इज द कोशेंट ऑफ दियर लिमिट, लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ, ये तो अंडरस्टूड है इसकी अब बेस ई है, दिस इज अंडरस्टूड वन प्लस ए एक्स बाय एक्स माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स बाय एक्स, यहां वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप है, आई विल राइट इट इन दिस वे, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, आई विल राइट इट लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स बाय ए एक्स इंटू, मैं यहां करूंगा ए, ए और ए कैंसल, ये आएगा दोबारा एक्स, यहां भी ऐसा ही करूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स, ये तो पता ही है इसका बेस ई है, यहां मैं लिखूंगा बी एक्स इंटू बी। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको रेफरेंस में लिखता हूं, ये आपका रिजल्ट है लिमिट्स में, बार बार मैं दूंगा आपको जो जो फॉर्मूला यहां पे यूज होगी, ये आपके पास लिमिट है, इट इज लिमिट एक्स टेंडिंग डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस डेल्टा एक्स टू द बेस ई डिविजन बाय डेल्टा एक्स, या आप याद रखिए दिस इज इक्वल टू वन, डेल्टा एक्स या एच, जरूरी नहीं है डेल्टा एक्स लिखना है, सपोज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एच बाय एच इज वन, यहां भी आता बिकॉज वैल्यू राइट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये तो अंडरस्टूड है, जब एक्स जाता है जीरो के बराबर ए एक्स भी जाएगा नेचुरली जीरो, बी एक्स भी जाएगा नेचुरली जीरो, ये अंडरस्टूड है। सो ये चीज जो हमारे पास यहां पे आया, ये चीज यही वो वाला लिमिट है लॉग ऑफ ए एक्स या एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस ए एक्स बाई एक्स, ये आएगा वन के बराबर इंटू ए माइनस, ये भी आएगा लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स बाई बी एक्स, वो फॉर्मूला, ये आएगा वन के बराबर इंटू बी। सो हमारे पास साई ऑफ जीरो है ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, कंटिन्यूअस होना है, फिर साई ऑफ जीरो रिमूवेबल कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल, अगर कोई फंक्शन रिमूवेबल, ये डिस्कंटिन्यूटी में आपको डिफिनेशन मैंने नहीं दिया, इसमें होता है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी वो मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज यू आस्क इट सम सोल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे दस, यहां पे हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, दस साई ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए माइनस बी इफ साई ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर साई ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस होना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन आपको असाइन करना पड़ेगा साई ऑफ जीरो का वैल्यू ए माइनस बी। दिस इज हाउ वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ एमसीक्यूज, ये आपको सब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, लेकिन जेई के एग्जामिनेशन जो है वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको लगते हैं ये बड़े हैं, लेकिन उनका मतलब आंसर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये मैंने बताया इसमें। नेक्स्ट मैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा, कंटिन्यूटी पे हमारे साथ रहेंगे और आप इसको तब तक कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।